भारत के लोग, मैं कंचन काजल बौद्ध हूँ। उदिन आप दिलाओ तानी साहब, जब हमारे बाबा साहब सन 56 में इस दुनिया को छोड़ चले साहब, जिन्होंने नारी को सम्मान दिए साहब, आज वही माँ की ममता, वही भाई, वही बेटे, वही बहन, वही उनके बच्चे भारत देश की याद कर रहे हैं उनको, उनकी याद में रो करके कहते रहे साहब, का कहते रहे, छोड़ी के सब के कहाँ गईला तू, छोड़ी के सब के कहाँ गईला तू, ई न समझ में आवेला, छोड़ी के सब के कहाँ गईला तू, ई न समझ में साहब। जब महज हमारे बाबा साहब 5 साल की उम्र थी, खेलने और खाने की उम्र थी, हमारे बाबा साहब की बचपन भी बड़े कष्टदायक में बीते हुए साहब। वो पल गुजरे जिन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट झेले साहब, तो कहना बा कैसे। बचपन में सासत सह के कैला पढ़ाई, वंचित समाज के भी दिहला पढ़ाई, बचपन में सासत सह के कैला पढ़ाई, वंचित समाज के भी दिहला पढ़ाई, जैसे कि लाल बिना तड़पे बझिनिया, जैसे कि लाल बिना तड़पे बझिनिया, वैसे हमें साहब। आपने आजीवन संघर्ष करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, आज आपके संघर्ष की देन है कि आपने हमें कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिए। एक समय वो था
जबकि आपको शूद्र कहते थे, इस समाज को शूद्र कहते थे, भारत के लोग को शूद्र कहते थे, आपकी परछाई को देखकर वो डरते थे कि इस राह से जा रहा है तो हम भी शूद्र हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे साहब। लेकिन आपकी करनी और कमाई से साहब हमारे भारत देश का चमन हरा भरा है साहब, कैसे कहना है। हरा भरा भारत तेरी करनी कमाई से, डरते थे लोग तेरी ऊपर छाई से। लास्ट लाइन में कहना बा साहब, बीके सिन्हा राउर चा रानिया का धूल हो, लेखनी में कमी कौनो हो के न भूल हो। लिखी के गवारेला कंचन के लिखी के गवारेला। ये साहब जी ये भीमा जी, ये साहब जी ये भीमा जी, याद बहुत तू यारेला, सादर जय भीम नमो बुद्धाय, साधुवाद करती हूँ।